नमस्कार किसान भाइयों, मैं बंटी मीणा आपका स्वागत करता हूँ रास्ता फार्मिंग में। आज मैं आपको जो लेयर फार्मिंग होती है इसके बारे में बताऊंगा, इसको कैसे करते हैं और इससे क्या प्रॉफिट होता है और इसको करने के लिए कितनी लेबर या कितना कॉस्ट होता है लगता है, इस सब के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो बने रहिए, मैं आपको तो आप देख सकते हो कि ये पोल्ट्री फार्म करीबन 7,500 मुर्गियों का है और इनके अंदर जो एक कैरेज होता है, जैसे कि ये कैरेज है, इसके अंदर एक कैरेज के अंदर 4 मुर्गियां हैं। इन्हीं के अंदर इनके पानी की व्यवस्था की गई है। ये देखिए, यहाँ पे इनके पानी की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है और ये दाने की व्यवस्था इनकी यहाँ पे की गई है। और जब ये अंडे दे देती है मुर्गियाँ, तो यहाँ से ये रोल करके और अंडे यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और इनको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे थोड़ा यू आकार का बनाया हुआ है ताकि अंडे बाहर आके नहीं गिरे, यहीं रुक जाए। इसके बावजूद में ये जो आप देख रहे हो लोहे की पट्टी, ये देख रहे हो लोहे की पट्टी वाली, तो इससे ऑटोमेटिक जो मुर्गियों में और जो दाना डालते हैं तो वो जो सामने लेग लगे हुए हैं, आपको मैं पास आके दिखाता हूँ, तो उनमें से ये सीधा रोल करके आगे आते हैं और दाना इन मुर्गियों में, जो इनकी क्रेज है, इनमें अलग 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 स्टेप में इनमें दाना भर देते हैं। और बाकी ये 7,500 मुर्गियों का है तो 7,500 अंडे डेली के आने हैं और अभी अंडे की सेल रेट करीबन 4.5 रुपये और 5 रुपये के बीच में चल रही है, तो अभी किसान भाइयों को बहुत अच्छा प्रॉफिट चल मिल रहा है और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और कभी कभी देखिए कि हर बार पोल्ट्री फार्म में फिक्स टाइम नहीं है कि ये एक्यूरेट ही मिले, कभी इनको नुकसान भी उठाना पड़ता है और जब नुकसान होता है तो बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, अधिक भी हो जाता है। और मुनाफा की बात करें तो वो भी डिपेंड करता है कि अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग और सीज़न के अकॉर्डिंग इनको मिल पाता है और इस तरीके से। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि इन मुर्गियों में जब ये क्रेज बने हैं तो ज़मीन से करीबन 9 फीट हाइट पे बने हुए हैं और 9 फीट नीचे इन्होंने इनके जो फीड करने की जो जगह है वो नीचे है ताकि मुर्गियाँ डिस्टर्ब नहीं हों। और जो फीड में जो गैस बनी होती है, क्योंकि एक जगह ही ये पीट गिरती है तो गैस बन जाती है, तो इससे अंडे ख़राब होते हैं और मुर्गियों की तबीयत में भी असर पड़ता है, तो वो नीचे रहती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और अगर कोई किसान भाई फार्मिंग करना चाहता है तो इस तरीके से फार्म बना के और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, लेकिन जो भी बिजनेस करने से पहले उसकी तह तक, मतलब उसके पूरी तरीके से उसकी जांच करनी चाहिए कि कहाँ से हम चीज़ खरीदेंगे, कहाँ सेल करेंगे और कितना प्रॉफिट मिल पाता है, कितना नहीं मिल पाएगा, इसी के अकॉर्डिंग वो अपना फार्मिंग स्टार्ट कर सकता है। बाकी किसान को फार्मिंग करने से पहले 2-4 बार या 2-4 महीने की ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए ताकि किसान भाई कहीं जाके डिस्टर्ब नहीं हो और वो अच्छे से अपनी फार्मिंग लाइन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ टाइम पहले मैंने देसी पोल्ट्री फार्म के बारे में बताया था, तो मैं हर टाइम पे अलग अलग आपको बताता रहूँगा, जैसे जैसे आपके कमेंट्स आते रहेंगे मैं आपको क्लियर करता रहूँगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए।